आज क्या कहीं हुई क्लास कैंसिल या ऑनलाइन हो गई क्या? आज कैंसिल हुई है कहीं हुई क्लास? क्यों बारिश आएगा है क्या बारिश? तो ऑनलाइन ले ले बच्चे। हाँ जो देखो जी क्वेश्चन नंबर 14 है जो रिलायंस अकाउंट पहले से बचो कैश बैंक छोड़ के सारे से जीरो कर दो। कैश बैंक छोड़ के सारे से जीरो कर दो। स्टॉक जीरो कर दो। इन्वेस्टमेंट जीरो कर दो। स्टॉक जीरो कर दो। इन्वेस्टमेंट जीरो कर दो। बुक डेब्ट जीरो कर दो। प्रोविजन जीरो कर दो। हाँ जो स्टॉक जीरो कर दो। डेटा जीरो कर दो। बुक डेब्ट जीरो कर दो। प्रोविजन उस साइड जीरो करना। 134 पे भी है जो ये 134 138 दोनों पे है। स्टॉक जीरो कर दो। इन्वेस्टमेंट जीरो कर दो। बुक डेब्ट जीरो कर दो। प्रोविजन इस साइड जीरो कर दो। बिल्डिंग 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 के बाद क्या? प्लांट गुडविल प्रॉफिट लॉस जीरो नहीं करेंगे बच्चों। याद रखना गुडविल जो है ना एडमिशन रिटायरमेंट है चेंज बीएसआर में पार्टनर कैपिटल में डेबिट होती है। गुडविल जो है पार्टनर कैपिटल में डेबिट होती है एडमिशन रिटायरमेंट है चेंज बीएसआर में। यही एक ऐसा चैप्टर है जहां पे गुडविल कहां जीरो होती है? रिलायंस अकाउंट में जीरो होती है। पानी है ना? बुक डेट मतलब बुक में लिखे हुआ डेटर्स। इलेवन में कहाँ पढ़ता था? मैंने तो इलेवन में बता दिया ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में। हाँ जी गुडविल जीरो कर दी। प्रॉफिट लॉस जो पार्टनर से बट जाएगा। क्रेडिटर्स जीरो कर देना। बिल पेबल भी जीरो कर देना। हाँ जो क्रेडिटर्स जीरो कर दो। बिल पेबल जीरो कर दो। मिसेज अरविंद लोन आउटसाइडर है क्योंकि मिस्टर अरविंद तो मिस्टर बलबीर की बीवी हैं। मिसेज अरविंद लोन मिसेज बलबीर लोन। रिजर्व फंड पार्टनर से बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट ऑक्यूशन फंड मैंने आपको बताया था कोई एसेट के अगेंस्ट फंड हो रिजर्व हो तो जीरो कर देंगे। आज रात से 12 बजे से बारिश है। उम्मीद है भैया कल भी तुम्हारी छुट्टियाँ ही हो जाएंगी। आज रात के 12 बजे से बारिश है कॉन्टिन्यूसली बहुत तेज। कल भी छुट्टी होगी पानी तो भरा ही होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया अगस्त तक तो बारिश ही है। ये अगर हम क्लास ही कैंसिल करते रहेंगे तो कोर्स बहुत पीछे हो जाएगा भाई। तो इसलिए ये चाहे बारिश हो तूफान हो आंधी हो या कैटरीना आ जाए। कैटरीना कैफ नहीं कैटरीना तूफान जो अमेरिका वगैरह में आता है। हमारी क्लास शुरू होगी ठीक है। आप चाहे ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो वीडियो लो है। तो इसलिए भैया ये तो बारिशें मैं कहना चाहता हूँ बारिशें तूफान आंधी आपको रोक नहीं सकती अपने टारगेट पूरा करने के लिए। तो ये छोड़ा बारिश वारिश सब बहाने हैं ना क्लास लेने के या छोड़ने के। आपको क्लास लेनी लेनी है। क्या होगा? चलो जी आगे चलते हैं। तो जो याद रखिएगा जो IFF मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जी हाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जीरो होता है। क्या हो जाता है? जीरो कर देना बस और कुछ नहीं होगा। अब देखो जो अरविंद कह रहे हैं अरविंद ने प्रॉमिस किया है। जी हाँ अरविंद ने प्रॉमिस किया है। हाँ मैडम मिसेस भी है सर। बुक डेट मतलब डेटर। बुक डेट मतलब डेटर्स। हाँ आपने चैप्टर ट्रायल 11 में एक चैप्टर था ट्रायल बैलेंस उस गलत टीचर से पढ़ी होगी। हाँ क्या मैडम? रिजर्व फंड पार्टनर बढ़ते फ्री रिजर्व पार्टनर बढ़ते हैं मैडम। ठीक है जी। तो पहला से सारे जीरो और दो। सारी लाइब्रेरी जीरो और दो।
अरविंद कह रहे हैं, अरविंद ने प्रॉमिस किया मैं अपनी बीवी का लोन मैं पे करूंगा, अरविंद ने प्रॉमिस किया मैं अपनी बीवी का लोन मैं पे करूंगा। आउटसाइडर लाइबिलिटी है उसकी बीवी, इंटरनल नहीं है। रिलेशन डेबिट हो अरविंद, ये देखो बेचारे पति लोग विश्वास अपनी बीवी का लोन पे करते हैं, बाद में पत्नियाँ छोड़ के जा रही हैं आजकल। हाँ जी, रिलेशन डेबिट हो अरविंद, मिसेज अरविंद लोन, रिलेशन डेबिट हो अरविंद 6,000 रुपये, रिलेशन डेबिट हो अरविंद कैपिटल अकाउंट, ठीक है जो रिलेशन डेबिट हो अरविंद कैपिटल अकाउंट, मिसेज अरविंद लोन। आगे चलते हैं, स्टॉक लेकर जा रहा है 6,000 में। हाँ जी, जो स्टॉक है ये अरविंद लेकर जा रहा है 6,000 में, अरविंद कैपिटल डेबिट टू रिलेशन, स्टॉक लेकर जा रहा है 6,000 में, अरविंद कैपिटल डेबिट टू रिलेशन, ठीक है जो एसेट अगर पार्टनर ले जाए, एसेट अगर पार्टनर ले जाए तो अरविंद कैपिटल टू रिलेशन, लाइबिलिटी पार्टनर पे करते हो तो रिलेशन डेबिट टू पार्टनर, सिंपल है बच्चों बहुत। सेकेंड पॉइंट है जो बलबीर कह रहा है मैं आधी इन्वेस्टमेंट लेकर जाऊंगा 10% डिस्काउंट पे। हाँ जी मैडम, मैडम अरविंद लोन कितने का है? 7500 का। अच्छा हाँ, 7500 आना था बच्चों, गलत हो गया क्या मैडम? अरे मैडम डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद हो जाना, तो पे करना ही पड़ता है। डिसोल्यूशन में प्रॉमिस मतलब हो गया। हाँ जी बच्चों, और वैसे बीवी का लोन है मैडम, रिलेशन डेबिट टू अरविंद कैपिटल, ठीक है जी, लाइबिलिटी पे कर रहे हैं रिलेशन डेबिट टू अरविंद, और यहाँ पे क्या है स्टॉक ले गया अरविंद कैपिटल टू रिलेशन। मैडम ये लोन कितने का है? लोन 7500 का है ना। हाँ जी आगे देखिएगा, स्टॉक स्टॉक वो ले गया जी 6,000 में, स्टॉक ले गया 6,000 में। सेकेंड पॉइंट है जो बलबीर कह रहा है मैं आधी इन्वेस्टमेंट लेकर जाऊंगा 10% डिस्काउंट पे, बलबीर कह रहा है मैं आधी इन्वेस्टमेंट लेकर जाऊंगा 10% डिस्काउंट पे, 15,000 का आधा कितना होता है जी? 7,500, 10% डिस्काउंट पे लेकर जा रहा है बाय बलबीर, बाय बलबीर आधी इन्वेस्टमेंट 7,500 की इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे जा रही है जी, 6,750 का 10.750 होता है ना मैडम, तो ये आ जाएगा 6,750 आ जाएगा, क्या आ जाएगा मैडम? 6,750 आदि इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, आदि इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, 15,000 का आधा कितना होता है? 7,500 होता है मैडम, आधी इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे लेके जा रहे हैं मैडम। अगला पॉइंट देखो जी, बुक डेब्ट लाइज 28,500, बुक डेब्ट लाइज 28,500, बुक डेब्ट मतलब डेटर जी, हाँ जो बुक डेब्ट बिक रहे हैं 28,500 में, बाय बैंक कर देते हैं, बाय कैश कर दो, बुक डेब्ट्स मतलब डेटर्स जी, हाँ डेटर कितने के बिक रहे हैं? 28,500 के बिक रहे हैं, आगे कहो जो क्रेडिटर एंड बीपी बट ड्यू ऑन एवरेज बेसिस वन मंथ आफ्टर 31st December बट वर पेड इमीडिएटली एट 2% डिस्काउंट पर एनम, जी हाँ जो अभी कर रहे हैं ना, आगे लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट के बारे में, आगे लिखा हुआ जो पॉइंट ऑफ फोर्थ, ये तो मैंने आपको पिछले क्लास में टेस्ट में भी दिया था ना कि क्रेडिटर ऑफ पीपी को हमें 1 महीने बाद देना है, देखिए हम इमीडिएटली दे रहे हैं 2% डिस्काउंट पे पर एनम, जो पर एनम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम बेसिस तभी लगता है जब टाइम वो लिखा हो, तो जो ये देखो क्रेडिटर है 45 के, बीपी है 12 के, टोटल कितना हो गया 57, क्रेडिटर हो गया 57, ये देख लो क्रेडिटर है 45 बीपी है 12, 45 प्लस 12 कितना हो गया 57,000, डिस्काउंट रेट कितना है? हाँ जी जो डिस्काउंट रेट कितना है 2%, 1/12, क्रेडिटर और बीपी को मिला के कितना हो गया बेटा 57 हो गया, क्रेडिटर और बीपी को मिला के हो गया 57, 2% 1/12 कितना आ गया 57, 2% 1/12 करो कितना आ गया 95, 57,000 माइनस 95, क्रेडिटर भी और बीपी
क्रेडिटर प्लस बीपी कॉम दे रहे हैं 569505, क्रेडिटर प्लस बीपी कॉम देंगे 56905 देंगे। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट प्लांट लाइज 37500, प्लांट लाइज 37500, बिल्डिंग कितने बिक्री है, बिल्डिंग बिक्री है 60,000 रुपीज की, गुडविल बिक्री है 9,000 रुपीज की, इन्वेस्टमेंट बिक्री है 6,750 रुपीज की, 6 पॉइंट में लिखा हुआ है एन ओल्ड टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक्स वाज नाउ एक्सपेक्टेड टू लाइज 450, इट वाज टेकन बाय बलबीर। जो इसका टोटल कर देना, ये जो एसेट बिके हैं जरा बताना कितने बिके हैं। करना जो इसका कितना हो गया है टोटल, ये आ गया 141,750, 141,750 कैश अकाउंट डेबिट टू लाइसेंस 141,750। फिर जो टाइपराइटर बलबीर बाबू ले गए हैं, टाइपराइटर कौन ले गया, बलबीर ले गया कितने रुपए का, 450 रुपीज का। जी हाँ, जो टाइपराइटर बलबीर ले गया, बलबीर कैपिटल डेबिट टू लाइसेंस, बलबीर कैपिटल डेबिट टू लाइसेंस 450 रुपीज, बलबीर टाइपराइटर ले गया, बलबीर कैपिटल डेबिट टू लाइसेंस 450 रुपीज, बलबीर कैपिटल डेबिट टू लाइसेंस 450 रुपीज, बलबीर ले गया। लाइसेंस एक्सपेंसेस, लाइसेंस एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं 1500 के, एंट्री आ जाएगी लाइसेंस डेबिट टू बैंक, लाइसेंस एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं 1500 के, एंट्री आ जाएगी लाइसेंस डेबिट टू बैंक 1500 रुपीज। और कुछ रह गया, जो क्रेडिटर हो गया, बीपी हो गया, मिसेज अरविंद लोन, मिसेज अरविंद लोन रह गया। चाहे बच्चों क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो, लाइबिलिटी तो पे करनी करनी होती है। हो गया अरविंद लोन, बलबीर रह गया, बलबीर का रह गया, मिसेज बलबीर लोन रह गया, मिसेज बलबीर लोन रह गया। आईएफएफ लाइज नहीं होता, आईएफएफ लाइज तो टोटल देखना कितना हो गया बच्चों, क्या सर थोड़ा तेज बोलो सर, मन में मत बोलो सर, आधा रिजर्व फंड पार्टनर से बढ़ता है क्या, क्यों आएगा, रिजर्व फंड पार्टनर बढ़ जाते हैं ना, फ्री रिजर्व होते हैं। हाँ जी बच्चों, एक बार ये देख लो कोई लाइबिलिटी रह तो नहीं गई, प्रोविजन लाइज नहीं होता, क्रेडिटर हो गए, बीपी हो गए, मिसेज अरविंद लोन हो गया, मिसेज बलबीर लोन हो गया, प्रोविजंस और फंड, जो प्रोविजंस किसी एसेट के अगेंस्ट होते हैं या फंड जो किसी एसेट के अगेंस्ट होते हैं वो लाइज नहीं होते। फिर टेंजिबल एसेट देख लो, टेंजिबल एसेट तो नहीं रह गए, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, बुक डेट हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गए, इनटेंजिबल एसेट होते हैं, अगर वो चुप हो तो कोई लाइज नहीं होते, इनटेंजिबल एसेट लाइज नहीं होते बस, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, बस बच्चों आंसर आ जाएगा 47045, रिलाइजेशन प्रॉफिट आ गया जो 47045 आ गया। रिलाइजेशन प्रॉफिट उसे पार्टनर बांट देना, पार्टनर से बांटना जो कितना है, क्या रेशियो है, रेशियो गिवन नहीं है इक्वल, रेशियो गिवन नहीं है इक्वल, ठीक है जो, ये हमारे लाइस अकाउंट हो गया, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, पर नहीं, इसके पॉइंट्स आ सकते हैं, कैसे पॉइंट्स आ सकते हैं भाई,
छोटा करके आ सकता है क्वेश्चन, लिटिल बेबी करके दे देंगे वो पॉइंट्स हटा देंगे, या फिर जनरल एंट्री रूप में कोई भी एंट्री दे सकते हैं। ठीक है जी, क्यों करा रहा हूँ भाई, क्योंकि पुराने जमाने में आ रखे हैं बोर्ड में। हाँ, तो अभी इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा इसका, आपने देखा है मैंने कराया था एडमिशन में भी रिटायरमेंट में भी, जो क्वेश्चन मैं स्पायरल का था ना वो नेक्स्ट ईयर आया, एक दो पॉइंट हटा दिए गए। क्या हटा दिए गए? तो ये पॉइंट क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन ये पॉइंट्स हटा कर कम करके लिटिल बेबी करके जनरल एंट्रीज पूछी जा सकती है इन पॉइंट्स की। जनरल एंट्री क्लियर होगी आपको, ये तो स्टॉक ले जाने की एंट्री अरविंद कैपिटल कैपिटलाइजेशन, ये क्या लेकर गया था, इन्वेस्टमेंट ले जाने की एंट्री बलबीर कैपिटल कैपिटलाइजेशन, ये सारे एसेट भी गए कैश टूलाइजेशन, टाइपराइटर ले गया बलबीर बलबीर कैपिटल कैपिटलाइजेशन, क्रेडिटर बीपी एक्सपेंसेस और मिसेस बलबीर लोन पे करने की एंट्री लाइजेशन डेबिट टू बीपी टू बैंक, लाइजेशन प्रॉफिट बांटने की एंट्री लाइजेशन डेबिट टू अरविंद एंड बलबीर। अब क्या होना होंगे बच्चों, पार्टनर लोन तो मांगा ही नहीं है, पार्टनर लोन तो है ही नहीं क्वेश्चन मैडम, कहाँ है कहाँ पार्टनर लोन, मुझे दिख नहीं रहा कहाँ है पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लो जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लीजिएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अरविंद बलबीर अरविंद बलबीर अरविंद बलबीर, हाँ जो बाय बैलेंस बी डी 15-15, बाय बैलेंस बी डी है 15-15 है, बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है, बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है 15 का, बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है 15,000 का, पार्टनर से बांट दो रेशियो की बननी है तो इक्वल, जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस है पार्टनर बांट दो रेशियो की बननी है तो इक्वल, तो जो बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है पार्टनर बांट दो, बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस है पार्टनर बांट दो, और कुछ आएगा पार्टनर में, हाँ स्टॉक लेकर गया उधर क्रेडिट है, स्टॉक लेकर गया उधर क्रेडिट है तो उधर डेबिट हो जाएगा, हाँ जो इधर क्रेडिट है 5,6,7,5,0, इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट हो जाएगा, इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट हो जाएगा, टाइपराइटर टूलाइजेशन, इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट हो जाएगा। ठीक है जो स्टॉक लेके इधर क्रेडिट है इधर डेबिट हो जाएगा, ये देखो इधर क्रेडिट है इधर डेबिट हो जाएगा, टाइपराइटर इधर क्रेडिट है इधर डेबिट हो जाएगा, और कुछ है इधर देखो अरविंद हमारा लोन ले पे कर रहा है, बायलाइजेशन उधर क्रेडिट उधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा 7,500, रिलाइजेशन प्रॉफिट, रिलाइजेशन प्रॉफिट उधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बी डी है 15-15, रिजर्व फंड क्वेश्चन के अंदर था वो बैलेंस शीट में था पार्टनर बट गया, प्रॉफिट लॉस था वो पार्टनर बट गया। ठीक है ये जो ना एसेट ले ये जो एसेट ले गया इधर क्रेडिट था, इधर क्रेडिट था इधर डेबिट हो जाएगा, फिर ये बलबीर ये ले गया टाइपराइटर इधर क्रेडिट था इधर डेबिट हो गया, लाइबिलिटी अरविंद पे कर रहे हैं इधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा, रिलेशन प्रॉफिट इधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ बैलेंसिंग और पे कर देना, बैलेंसिंग और पे कर देना टू बैंक, बैलेंसिंग और पे कर देना टू बैंक हो जाएगा, बताना भाई टू बैंक कितना हो गया, कितना एक आरिशोर ये मैडम मैं राउंड ऑफ करना पड़ा ना, इक्वल है तो इक्वल बांटो 2.5 राउंड ऑफ कर दिया मैंने एक को, कौन सा सर
सर 235 23 23 5 22 33 लिख दिया क्या मैंने? 23 लिख दो जी. 23 है. 23523 है. अब देखना हो गया क्या, ये कितना आ रहा है अब. 15,000 प्लस 7500 प्लस 7500 प्लस 23523 माइनस 2125 माइनस 6000 ये आ रहा है 45398. 45398. अब जो बैंक अकाउंट, हाँ जो बैंक अकाउंट देख लीजिएगा, बैंक अकाउंट देख लीजिएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, भाई DIBS की मैंने सुना आज डेट शीट आ गई है. सर रात को मैं रिवाइज कराता हूँ, मैं एडमिशन रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद चेंज पीसा रिटायर कर रहा हूँ. क्या आ रहा है ना सिलेबस? मैंने करा दिया ना कोर्स पूरा, साथ में रिवीजन भी करा ही रहा हूँ मैडम मैं. हाँ जी बैंक का BD आप लोग कर नहीं रहे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ. BD आया 12,000 भैया मैं तो रिवीजन भी करा रहा हूँ, तुम लोग कर नहीं रहे हो. आएंगे कब? रिवीजन खत्म होने के बाद. हाँ जी BD है जो 12,000. अब देखो जी बैंक, अच्छा जो मैं कैश बना लेते हैं, काम करते हैं कैश अकाउंट बना लेते हैं, बैंक उसमें डाल देंगे. कैश अकाउंट बना रहा हूँ, जो कैश का BD देखना कितना है. कैश का BD बताओ कितना है जी, कैश का BD बताना. 750. बैंक का बैलेंस उसमें डाल दो, बैंक का बैलेंस के अंदर डाल देते हैं. बैंक डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट टू कैश कितना? 12,000. जो BD है 750, 12,000 रुपये जो आपका है पैसा इसके अंदर डाल दो. कैश डेबिट टू बैंक, कैश डेबिट टू. अब ये ना, ये देखो ये एसेट भी गए. कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 141750. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 141750. ठीक है, यहाँ पे जो कैश कर देना, ये लाइबिलिटी पे कर दी, ये लाइबिलिटी पे कर दी. बाय रियलाइजेशन 73405. ठीक है, ये एसेट बिक गए, वो लाइबिलिटी पे कर दी बस. और ये तू कैश कर दे भाई, हाँ कैश कर दे. अब ये पे कर देंगे A और B को, ये A और B को पे कर दो. बाय A बाय B, ये A और B को पे कर दो. देखना जो कैश अकाउंट मैच हो गया, कैश अकाउंट देखो मैच हो गया क्या. हाँ सर, क्या कुछ भी बना ले, फिर ऐसा करियो बैंक अकाउंट बना ले, बैंक में कैश ट्रांसफर कर दियो. एक चीज तो बनानी पड़ेगी ना सर, या कैश बनाया बैंक बना. हाँ कुछ भी कर लो, जो बना रहे हो वो कर लो. हाँ हाँ जो भी हो, उस अल्टीमेटली बैंक या कैश पे ट्रांसफर करना ही पड़ेगा ना. दो अकाउंट क्यों बनाते हो, एक अकाउंट बनाओ. करें तो शुरू. एंट्री नंबर 9, क्वेश्चन 9, सॉरी क्वेश्चन 9 पे आ जाओ. जो क्वेश्चन 9 पे आ जाइएगा, क्वेश्चन 9 पे आ जाइएगा. पेज नंबर से मेरा 135 है, हो सकता है कहीं होगा क्या हो. 131 या 135 पे आ जाइएगा, 131 या 135 पे आ जाएगा. पे नंबर 131 या 135.
क्या खबर है भाई। हाँ जो देखो जी, पहले से सारे जीरो उड़ देना। डेटर 75, स्टॉक जीरो कर दो 40। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, 9 है, 9। मुझे 8 ना होमवर्क है, 8 में करेक्शन कर लेना। वो सेंटीग्रेड 90,000 नहीं है, 9,000 है, एक जीरो हटा देना। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, क्वेश्चन 8 होमवर्क है, उसमें 90,000 नहीं है क्रेडिटर्स, 9 है बैलेंस शीट में, ठीक है। बाकी हो जाएगा, होमवर्क है ये, आंसर नीचे गिवन है सब कुछ। हम 9 कर रहे हैं। डेटर जीरो कर दो, स्टॉक जीरो कर दो, इन्वेस्टमेंट जीरो कर दो, सारे ऐसे जीरो करेंगे एक्सेप्ट कौन सा नहीं करेंगे। डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट, हम जो क्रेडिटर जीरो करेंगे क्या? हाँ जी, क्रेडिटर जीरो कर दो। बैंक लोन जीरो करेंगे क्या? प्रोविडेंट फंड, हाँ जो प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हाँ जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कमीशन एडवांस, जी हाँ, जो सारे ऐसे जीरो कर दीजिए, सारे ऐसे जीरो कर दीजिए। ये हमने डेटा जीरो कर दिया, स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट क्रेडिटर बैंक लोन प्रोविडेंट फंड जीरो कर देना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एसेट के अगेंस्ट फंड है, वो जीरो हो जाएगा, रिलाइज नहीं होगा। याद रखना, जो ये वाला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एसेट के अगेंस्ट है तो रिलाइज नहीं होता, बाकी सब कुछ रिलाइज हो जाते हैं। आगे दे रहे हो, जो ऑन दिस डेट द फॉर्म वाज रिजॉल्वड, अंजू वाज टू अपॉइंट टू रियलाइज द एसेट, अंजू वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ एसेट एंड शी वाज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस रिलेशन। जी हां, जो अंजू आ गया कि आप, अंजू को आ गया कि आप एसेट बिकवाइए, आपको कमीशन देंगे हम 5% ऑन सेल ऑफ एसेट, इसके बदले में जो खर्चे होंगे अंजू बियर करेगी। जो अंजू ने रिलाइज किया है एसेट एज अंडर, अंजू ने ये एसेट बेचना शुरू किया, कितने बिके? कैश अकाउंट डेबिटलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिटलाइजेशन, डेटर कितने बिक रहे हैं? 60,000 के। स्टॉक कितने बिक रहा है? 35,500 का। इन्वेस्टमेंट बिक रही है 16,000 की। प्लांट बिक रहा है 90% बुक वैल्यू पे, प्लांट बिक रहा है 90% बुक वैल्यू पे, प्लांट है 50,000 का, 90% बिक रहा है 45। करना जो कितना हो गया एसेट्स, कोई एसेट रह तो नहीं गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, प्लांट हो गई, करना कितने रह गए एसेट्स? बिक गए हमारे, एंट्री आई कैश यूटिलाइजेशन, क्या एंट्री आ रही है? अमाउंट, किसी ने किया भाई टोटल कितना? 156, ठीक है। जो तो ये हमारे एसेट बिक गए, एसेट बिकने की एंट्री आएगी कैश यूटिलाइजेशन, एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिटो। नेक्स्ट पॉइंट, कहां तक पहुंच गए जो हम? अगला पॉइंट है कमीशन दे दो, जो उसे कमीशन देनी थी ना, किसको कमीशन देनी थी? अंजू को, अंजू को कमीशन देनी थी, राशन डेबिट हो अंजू, अब खर्चे वो ही भैया करेगी। हाँ, जो अंजू को कमीशन देनी है राशन डेबिट हो अंजू, जितने एसेट बिके उसका 5%, जितने एसेट बिके उसका 5% करना, जो उसके 5